सो दिस में भी माई ब्लॉग 13 और इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा. ओह माय गॉड जस्ट लुक एट दिस. तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2020 और एक सवाल है आप लोगों से कि सुबह उठने में ठंडी के समय में इतना मुश्किल क्यों होता है. बहुत समय की बात है एक राजा हुआ करता था, ऑफकोर्स रानी भी होगी, और एक जंगल से हिरन को कोई शिकारी शिकार करके ले जाता था. मतलब हिरन की कमी होने लग गई और राजा ने बोला कि अपने सिपाही मतलब सिपाही को कि आखिर वो कौन है जो हिरन को शिकार करके ले जाता है. और उन्होंने उसको ऑर्डर दिया कि इसे ढूंढ के लाओ और वो लोग चला गया उसे ढूंढने के लिए. और बहुत ही मुश्किल के बाद वो शिकारी को ढूंढ के लाया और उसे कड़ी से कड़ी दंड दिया गया उसे. और रही बात सुबह क्यों नहीं उठ पाते हैं ठंडी में, इसका आंसर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है. लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखना पूरी एंड तक. एक रेस में कंडक्ट करवाया था कुछ दिन पहले बिकॉज अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज देर इज़ अ रीज़न कि नेट बहुत ही स्लो चलता है और बहुत ही रीज़न है इस टाइप का. और प्रोक्रास्टिनेशन इज ऑलवेज देयर बाय द वे. बाय बाय. अ ब्यूटीफुल सनसेट गाइस एंड और पता नहीं मेरा आँख में क्या घुस गया और चलाते चलाते और यहाँ पे मुझे रुकना पड़ा. और क्या आप लोग यहाँ देख सकते हो साइकिल चलाते हुए मुझे देख रहा था पीछे. एनीवे गाइस सो दिस मे बी माई ब्लॉग 13 और इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा. ओह माय गॉड जस्ट लुक एट दिस. मुझे डर लग गया था यार, ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यू गोना बीट मी और उड़ा देगा मुझे इस सिंक से. हाँ सिंक तो है वैसे. मैं बोल रहा था कि ये ब्लॉग 13 होने वाला है और आप लोगों को पता होगा कि मैं एक यहाँ पे शूट किया था बाइक चलते हुए और फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग्स. यहाँ पे ट्रेन था वैसे, अब वो ट्रेन नहीं है. यहाँ पे ट्रेन था तो अब वो ट्रेन नहीं है. मुझे नहीं पता कहाँ पे है. और आई होप कि ये ब्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो. एंड अभी तो मैं जितना भी ब्लॉग बनाने वाला हूँ इन द फ्यूचर सब हिंदी में होगा. और आप जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि दो बच्चा भी अभी गया था और वो दो बच्चा बस यहाँ पे आ रहा. आई डोंट नो व्हाई वे म्यूजियम दिया. सो या दिस वर द टू किड्स हु जस्ट वेंट फ्रॉम हियर. नो दे जस्ट आई थिंक दे वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट आई वाज डूइंग. एक्चुअली इतना फास्ट गया भाई ये दोनों. रिडिकुलस है ऐसा स्टंट कभी मत कर. आपका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? अनीश. अनीश ओके पहले बाकी लोगों को जाने दो ठीक है, फिर रेस करना ठीक. आ जाओ भाई दोनों यहाँ से. देखो फिनिश लाइन बता देता हूँ ठीक है. वो जो है ना ये पोल देख रहा है, ये फिनिश लाइन है ठीक है. हाँ सामने वाला जाना है और वापस घूम के आना है. जो पहले आएगा वो जीतेगा. चलो ठीक है. और देख सकते हो कि दोनों बच्चे चला गया रेस करने के लिए और उसे अभी पीछे आना है. ओह वाओ देख आई थिंक रेड वाला जीत जाएगा. और ये रेड वाला विनर है भाई. वो जीत गया और वो दोनों भाग गया और बहुत ही इंटरेस्टिंग का यहाँ पे रेस हुआ था. और चलो मैं आप लोगों को अगली थोड़ी बात मिलता हूँ. और हाँ वन इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको किसी कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है, मान लो आपको घर वगैरह कुछ डिज़ाइन वगैरह बनवाना है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. इसका मैं फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूँगा, देख लीजिए. बाय बाय.